आदिवासी युवा छात्र संगठन द्वारा धरना प्रदर्शन के बाद रैली निकाली गई। ये रैली नगर निगम गार्डन से लेकर अंबेडकर चौक तक निकाली गई। आदिवासी कांग्रेस अध्यक्ष अमरजीत भगत ने कहा कि जल जंगल जमीन हमारा अधिकार है। 1 करोड़ से अधिक आदिवासियों की जंगल जल और जमीन बेदखली के खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे पूरे देश के आदिवासी समाज आहत हो रहा है। वही कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे लिए वकील खड़ा किया, जिससे हमें सारे जंगल और जमीन मिल सके। संविधान से खिलवाड़ करना बंद करो। जो अधिकार मिलना चाहिए उनको, जो वन अधिकार पत्र मिलना चाहिए, सामुदायिक वन अधिकार मिलना चाहिए, वो सब आज तक नहीं मिल पाया है। कि केंद्र सरकार ने जो है हमारे पक्ष को, जब सुप्रीम कोर्ट में कोई आवेदन आया तो हमारा पक्ष में वकील नहीं खड़ा किया गया, समय पर हमारे पक्ष में जवाब नहीं पेश कराया गया, जिससे हमारे खिलाफ आज आदेश पारित हो रहा है और पूरे देश के आदिवासी उजड़ रहे हैं। जो आज किया गया है, आज पूरे देश के आदिवासी उजड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग आज सड़क में हैं और हम लोग न्याय चाहते हैं कि हमारे समाज ना उजड़े, उनको जो हक अधिकार मिला है उनको मिले। देश भर में आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं, केंद्र सरकार ने उनका साथ नहीं दिया, उन्हें उनकी जमीन से बेदखल कर दिया गया, जिससे पूरे देश के आदिवासी उजड़ रहे हैं, जिससे आहत होकर इस प्रकार के प्रदर्शन की ओर उन्हें अपना रुख करना पड़ा। देश टीवी के लिए कैमरामैन ऋषि नेताम के साथ रिचा सहाय की रिपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।